कई कदम आगे आप निकल चुके हैं, अपनी सक्सेस का श्रेय किनको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ऊपर वाले को और माँ बाप को जिन्होंने बहुत सपोर्ट करा मेरे को, और बहुत नाम है, पता नहीं नहीं नाम है, बहुत सारे नाम है ऐसे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा और जिनके वजह से मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, सबको थैंक यू। इनका जब इंसान शुरुआत करता है, स्पेशली जब वो बचपन में, जब माँ बाप ये समझते हैं कि उसको नहीं पता है कि बच्चे को कि उसे क्या करना है, ऐसे में जब बच्चा कोई डिसीजन लेता है अपने करियर के लिए कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे रैपर बनना है, मुझे लिरिसिस्ट बनना है, तो पेरेंट्स को अगर उसका प्रोफेशन समझ आता है बच्चे का तो वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब नहीं समझ आता तो वो फिर बहुत कान भी मरोड़ते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? पता नहीं यार, कुछ था नहीं, और मैं शुरू से ही बहुत ऐसी चीज़ों में रहने की कोशिश करता था, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी और मेरे को स्केचिंग करना बहुत अच्छा लगता था, पढ़ाई से मैं थोड़ा दूर था, मेरे को समझ नहीं आता था, मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं, शौक इन चीज़ों में आया था, क्रिएटिव चीज़ों में, छोल कूद में, शरारतों, तो घर वालों को लगा कि कुछ ना कुछ अनोखा करे अपनी ज़िंदगी में, रेगुलर बॉय नहीं है, तो उन्होंने मेरे को भी कुछ कहा भी नहीं, और मैंने अपनी स्कूलिंग भी छोड़ दी थी म्यूज़िक के लिए, क्योंकि मेरा दिल लगता नहीं था पढ़ाई में, मेरा दिल म्यूज़िक में लगता था, लिखने में लगता था, रैप करने में लगता था, सो जिसमें दिल लगे वही करना चाहिए। लेकिन इसका इससे रिलेटेड एक मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, बड़ी छुपी हुई इंफॉर्मेशन है, आई डोंट नो सही है या गलत है, ये आपको आज करेक्ट करना है और आज आपको लोगों को बताना भी है। मैंने सुना है कि टेंथ में शायद आप फेल हो गए थे और आपने अपने पेरेंट्स को बताया आप पास हो गए, उसके बाद बहुत धमाका हो गया था घर में, कुछ हुआ था ऐसा? मतलब टेंथ में थी एक्चुअली मैं कंपार्टमेंट थी मेरी मैथ्स में, अच्छा, और मैं कंपार्टमेंट में फेल हो गया, उसकी तो मार्कशीट मैथ्स मेरी बहुत नीक थी, उसकी ना मार्कशीट नहीं मिलती कंपार्टमेंट की, और फेल पास हो तो लिखा होता है कुछ चेक करने जाके, मैंने देखा मैं फेल में, तो तोते उड़ गए, मैंने कहा वाओ पिताजी को बताऊंगा बहुत मार पड़ेगी यार, दो महीने की छुट्टियां वो भी गई खड्डे में, फिर मैंने कहा कि खुद दिमाग लगाता हूँ, मैं दिमाग लगा पूरा फाती अपना, तो मैंने सोचा, मैंने कहा घर वालों को जाके बोलता हूँ कि मैं पास हो गया, दो महीने की छुट्टियां आराम से काटूंगा, और उसके बाद बोलूंगा कि यार मैंने ना किसी और का रोल नंबर देख लिया था, मेरा तो ऊपर वाला था, वो पास था मैं फेल था, तो मैं ये बता के सब कुछ ऐसे सेटलमेंट कर लूंगा अपनी किसी ना किसी तरीके से। बट जब एक महीना कट गया मैंने ठीक है बड़ा अंदर, उसके बाद कुछ दिन रह गए, 15 दिन, 10 दिन, मेरे दिल की धड़कने तेज होती गई, मैं छुट्टियाँ खत्म होने वाली, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैंने कहा जैसा चलने दो, मैंने अगले साल देखूंगा, क्रैश कब हुआ पता नहीं, 2 साल बाद, 2 साल बाद ये आठवीं के एग्जाम, आठवीं मैंने पास करी, उसके बाद मैंने पास करके 9th में आ गया, मैंने कहा पास हो गया, फिर मैं झूठ बोलूंगा झूठ से उसको 8वीं का 9वीं बना दिया रिपोर्ट कार्ड पे, मैंने वो दिखा दी यार, मेरे पिताजी बहुत मारते थे और ऐसा मारते थे ना, मुझे याद है यार, अगेन उनका पाला भी सही इक्का से ही पड़ा था ऐसे पिताजी वैसा मैं